वोट तो देनी पड़ेगी मोदी की वजह से अरविंद शर्मा को। आपके आदमी इतना घना अच्छा ना अच्छा आप मेरे मुकंदा हो भी बड़ी आदमी ना हाँ मोदी की मान लें मोदी में कोई कमी नहीं। बाकी दुखी ये रहे हैं कद यो बदला और कद वो बदलो कद यो बदलो और तो कुछ होया ना इसमें काम नहीं हुए काम तो किसी हो कुछ ना हो यार। तो कह रहे हैं अभी अंकल जी मिले थे वो कह रहे थे कि डंका बज रहा है विदेशों में। अब नहीं ने का बाचो का डंका मारा था कोई डंका बाजा ना अच्छा डंका नहीं बज रहा युवा का डंका ना बज रहा नहीं अंडे से बड़े को नौकरी ना वोकरी ना स्कूल है जो उसमें कम सुविधा है क्योंकि पंखे वंखे कोई पानी वाणी का कोई सिस्टम नहीं अभी। हाँ लाइट भी 24 घंटे की कर रखी इसमें भी रात को भी लाइट काट देते हैं दिन में भी लाइट काट देते हैं तो ये समस्या तो चल रही है लाइट की। मतलब इन समस्याओं पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया इन 10 सालों में ना कम दिया है दिया तो है पर अभी सरकारी स्कूल में पंखा पानी पुणी कोई सुविधा नहीं है। नमस्कार मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त रोहतक में है और रोहतक के अलग अलग गांवों में शहर में बाजार में जा जाकर हम पूछ रहे हैं कि किस तरीके का माहौल जो है वो इस बार लोकसभा के चुनाव को लेकर है। क्या नाम है आपका? नाम राजकुमार है। राजकुमार जी ये बताइए अब चुनाव है वोट डालनी है 25 तारीख को किस तरीके की चर्चा है? बीजेपी कह रही है इस बार 400 पार, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि नहीं इस बार रोक देंगे। नहीं ये जो कोई रोकने वाली बात तो है नहीं ये जो विकास का मुद्दा विकास सही हो रहा है जो कि ना मोदी को ही वोट जाएगी। मोदी को वोट क्या कारण है उसका? ये जो विकास का ही मुद्दा अच्छा ये जो भारत का नाम जो है कि नाम विदेशों में अच्छा ये जो पूरे जोर से लिया जा रहा है हम ये जो क्या मतलब भारत का नाम विदेशों में किस तरीके से लिया जा रहा है? भाई पहले भारत का नाम कहीं भी नहीं गिना जाता था। अब जो के नाम ये जो अभी ये जो 10 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी थी अखबार में कि भारत के जो है विदेश मंत्री ने अमेरिका को भी 2 टुक जवाब दिया है अच्छा। ये जो मोदी का ही प्रचंड है मतलब पहले नहीं होती थी ये सारी चीज़ें जो पहले नहीं होती थी। ठीक है अच्छा इस सीट की अगर बात करूँ रोहतक की तो यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से हैं बीजेपी से अरविंद शर्मा है क्या लग रहा है मजबूत कौन लग रहा है? यहाँ पर टक्कर किया है ये जो दोनों में टक्कर है जी मजबूत टक्कर है हाँ जी बिल्कुल। और ये जो बाकी पार्टियां हैं इनका कुछ ना, है ना 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 ये जो 2 टक्कर है बस एक बीजेपी कांग्रेस। ठीक है ये जो सांसद हैं अरविंद शर्मा सांसद हैं यहाँ से 10 साल हो गए सांसद को क्या काम करे 10 साल में जी? सांसद को वोट नहीं है मोदी को वोट है मोदी को वोट हाँ तो सांसद के काम से आप संतुष्ट ना जी ना 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 क्या कारण है? कोई काम ही नहीं हुआ जी यहाँ पर मेरे गाँव में भी नहीं हुआ मोदी के नाम पर ये जो मोदी के नाम पर वोट है अच्छा ठीक है ये तो कह रहे हैं जी मोदी के नाम पर वोट हैं। आप जैसे युवा क्या सोच रहे हैं इस बार क्या मोदी के नाम पर ही चलेगा बीजेपी का सारा काम या फिर यूं कहें कि सांसद के कामकाज भी लोग देख रहे हैं? बदलनी भी चाहिए सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा हाँ ये देखा कुछ भी आ रहे कुछ वे रहा है ना हो ना कि बताओ रोजगार वगैरह कुछ मिला नहीं क्या सरकार अपन देखिए वे रहा है इस बात का हमें बताओ। अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल कैसे रहे आपके हिसाब से? बाकी दुख ये रहे हैं कदा यो बदलो और कदा वो बदलो कदा यो बदलो और तो कुछ होया ना इसमें हाँ काम नहीं हुए काम तो किसी हो कुछ ना हो यार। लोग तो कह रहे हैं अभी अंकल जी मिले थे वो कह रहे थे कि डंका बज रहा है विदेशों में। अब नहीं ने का बाजो का डंका मारा था कोई डंका बाज जाना अच्छा युवाओं का डंका नहीं बज रहा युवा का डंका ना बज रहा नहीं अंडे से बड़े को नौकरी ना वोकरी ना। महंगाई भी कोई मुद्दा है क्या चुनाव में? महंगाई तो बढ़ रही है साहब आगे महंगाई परेशान कर रही है क्या? महंगाई तो है। तो इस बार युवा क्या सोच रहे हैं? इस रोहतक की अगर मैं बात करूं तो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से हैं बीजेपी ने अरविंद शर्मा को ही टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है क्या चल रहा है यहाँ पर युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है? वो कुछ नहीं मेरा क्या चल रहा है पा सकेंगे नहीं पलट सकेगा। अच्छा पलटने का मन है बाकी कुछ भी हो सकता है। अच्छा आपको क्या लगता है क्या नाम है पहले तो नाम बताएं? सोलंकी। पूरा नाम क्या है? मोनू सोलंकी। मोनू सोलंकी जी ये बताइए जिस तरीके से भाई साहब तो कह रहे थे कि भाई विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है इसलिए मोदी जी और 400 पार वो कह रहे हैं हो जाएंगे प्रधानमंत्री जिस तरीके से नारा दे रहे हैं कि इस बार 400 पार बिल्कुल होगा। वहीं इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि भाई नहीं इस बार 400 पार नहीं देश में महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है और इस बार जो है जनता जो है इस सरकार को पलट देगी। आप युवा हैं आप युवा के तौर पर क्या कहेंगे? महंगाई तो देखो जी बढ़ नहीं सकती ना घट सकती है अच्छा।
ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, आगे बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो कांग्रेस तो ये कह रही है हमारे टाइम पे तो महंगाई कम थी, सिलेंडर जो मिलता था 400 रुपए का मिल जाता था एलपीजी का, अब जो है सिलेंडर 1000 रुपए तक पहुंच गया इस सरकार में। अब कांग्रेस आ जाए 400 का थोड़ी हो सकता है, वो तो वहीं पर रहेगा। ठीक है, हाँ जी, कांग्रेस ये कह रही है कि हम अगर आ गए तो सरकारी नौकरियां देंगे। सरकार नौकरी इसमें मिल रही है, बीजेपी में मिल रही है, पढ़े लिखे बच्चे लग रहे हैं अभी। अच्छा, हाँ जी, वो जो ये बात चल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां लग रही हैं, वो वैसा कुछ है? हाँ जी, पढ़े लिखे बच्चे लग रहे हैं, पैसा कोई नहीं लग रहा उनका। ठीक है, ठीक, हाँ जी। अच्छा, अगर स्वास्थ्य की, शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो क्या लगता है इस क्षेत्र में इस सरकार ने कुछ काम किए हैं क्या? हाँ जी, पढ़ाई स्कूल जो सरकारी होते हैं उन्हें पढ़ाई कम हो रही है। अच्छा, हाँ, प्राइवेट पे जोर ज़्यादा है। सही, आजकल माँ बाप है ना अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी में देखभाल नहीं हो रही बच्चों की। तो हरियाणा में तो सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो भी क्या उस तरीके से विकास के काम नहीं हो पाएगा? स्कूल में देखो तो ध्यान देना पड़ेगा बच्चों पर और थोड़ा, भाई साहब कोई बात नहीं, हाँ बोलिए, बच्चों पर जी ध्यान देना पड़ेगा, सरकार स्कूल में थोड़ा सुरक्षा करनी पड़ेगी बच्चों की। ठीक है, हाँ जी, पढ़ाई। सीट की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके की चर्चा है इस सीट पर, मुकाबला है या यूं कहें कि नहीं मोदी लहर में सब साफ है? जी, रोहतक में तो मुकाबला है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। कौन मजबूत लग रहे? दोनों तरफ से मजबूत है, बीजेपी और कांग्रेस। क्या कारण है इस टक्कर का, कारण क्या है ये? रोहतक जी कांग्रेस का है कभी से ही, यहाँ से सीट कांग्रेस निकालती है और इस बार तो बीजेपी ने निकाली। हाँ जी, अब की बार टक्कर है। अब की बार टक्कर हो गई। हाँ जी, बिल्कुल टक्कर है। ठीक है, ठीक है, चलिए एक और युवा यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सचिन यादव। सचिन भाई, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, आप जैसे युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? वोट देंगे जी, जो हमारे अच्छा लगेगा, जो हमारे नेतृत्व में काम होगा। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, कैसा कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का तो जी तकरीबन ठीक है, 80% काम। आपके यहाँ से सांसद बीजेपी के अरविंद शर्मा दोबारा से मैदान में हैं, उनके काम किस तरीके करे? अरविंद शर्मा का तो ज़्यादा कुछ अपने गांव में तो है नहीं जी खास, पहले के काम हो रहे हैं सारे। हाँ, अरविंद शर्मा की छवि ठीक नहीं है काम के, उसमें जी कुछ वैर नहीं, खास नहीं है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं बीजेपी ने दोबारा टिकट दे के गलती कर दी हो? वो तो जी जनता के ऊपर है सब कुछ। अच्छा, अरविंद शर्मा के 10 साल के काम आप ये कह रहे हैं कि भाई उतना मज़ा नहीं आया, जितनी उम्मीद थी वैसे काम नहीं हुए, लेकिन क्या मोदी के नाम पर इस बार इस सीट पर टक्कर रहेगी या यूँ कहें कि नहीं इस बार ये सीट जाने वाली है? नहीं, टक्कर तो मोदी की है जी इस बार, चांस मोदी के, मोदी के चांस। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा की कैसी छवि है यहाँ? नहीं, कुछ खास नहीं है यहाँ पे, खास नहीं है कुछ। ठीक है, ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। हसनगढ़ ये गांव है और इस गांव में, यहाँ पर ऐसे हर एक गांव में हरियाणा के आपको मिल जाएगा कि ऐसे बैठकें होती हैं और वहाँ पर लोग चर्चा करते हैं। इसी तरह की बैठक में हम आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे कि आखिर लोग चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। यहाँ एक युवा है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? दीपक नाम है भाई। हाँ, दीपक। दीपक, दीपक भाई ये बताओ, आप युवा हैं, क्या करते हैं पहले तो ये बताएं? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते? कितना पढ़े हो? 12th, ट्वेल्थ की है, ITI भी है, उसके बाद ITI की। हाँ, तो नौकरी वगैरह नहीं की? नहीं। क्यों, मिली नहीं या फिर कोशिश नहीं की? नहीं, अभी ट्राई ही नहीं, हमारी कोशिश ही नहीं करी अभी, कोशिश ही नहीं की। अच्छा, अच्छा ये बताइए, अब चुनाव है, वोट डालने आप जैसे युवा को, बीजेपी कह रही है 400 पार, कांग्रेस कह रही है कि नहीं इस बार तो महंगाई बेरोजगारी सरकार ने इतनी बढ़ा दी है कि अब लोग जो है हराएंगे इस सरकार को, आप क्या कहते हैं? मेरे तो क्या होता। अच्छा, यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा हैं, जानते हैं उनको? कैसी छवि है उनकी? अधिकतर दिखाई दे रही है, छवि दिखाई दे रही है उनकी, ठीक छवि है। हाँ जी, इतने चांस है। अच्छा, और ये बीजेपी वाले जो अरविंद शर्मा है, इनके नहीं लग रहे, रोहतक वाली सीट से जीत सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्यों ऐसा? बस वो लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ, इस बात की। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं।
आइए, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, ये बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, महिलाओं को भी वोट डालना है, 25 तारीख को वोट डालेंगे, इस बार के चुनाव में किस तरीके की चर्चा चल रही है? बीजेपी कह रही है 400 पार, इंडिया अलायंस कह रहा है कि नहीं, इस बार नहीं होने देंगे। होएगा जी, मोदी सरकार का ही होगा। मोदी? अच्छा, आपके यहाँ से सांसद भी बीजेपी के, उन्हीं को टिकट मिला है, कैसा काम रहा 10 साल का? बढ़िया था जी, ठीक काम था। लोग कह रहे हैं कि जिस हिसाब से वो सांसद थे अपने इलाके में, सड़कें वड़कें और पानी का जो दिक्कत थी किसानी को लेकर, उस पर काम नहीं कर पाए, वैसा कुछ है क्या? ना, ठीक चल रहा है सर। ठीक चल रहा है, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस ये कह रही है कि भाई अगर हमारी सरकार आ गई तो हम सबको सरकारी नौकरी देंगे, उनके मैनिफेस्टो पे कुछ भरोसा आ रहा है? नहीं, बीजेपी ले भी रहे सुबह 10 साल। अच्छा, बीजेपी में जो कुछ होया वो उड़ा सरकार नहीं कर सकती। बीजेपी ठीक काम कर रही है, आप कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए एक और माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं बेटा। ऐसा है मित्र, थोड़ा सा आप साइड हो जाओ। क्या नाम है आपका? मीना है जी। मीना जी, ये बताइए, अब चुनाव है, चुनाव आप सबको भी वोट डालने हैं। हाँ, डालने हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का काम कैसा रहा? अच्छा रहा, खूब अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ, ये विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भाई इस सरकार में महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। ये तो बेटा, महंगाई तो बढ़ती रहती है, क्या करे, समाज में हर एक चीज बढ़ती रहे है, कम कौन सी होती है। कांग्रेस वाले कह रहे हमारे टाइम पे तो इतनी नहीं थी, इस सरकार ने तो कमर तोड़ दी गरीब की। ना बेटा, यह था भाई, ये कांग्रेस आ जाएगी वो क्या कम कर देगी, वो भी नहीं करेगी, बनाने के मारी तो बेटा सब नहीं कहेंगे, पर सब एक जैसे हैं। है ना, सब एक जैसे किस तरह है? मोदी बेहतर है? मोदी कह रहे हैं बेटा, देख लो अपने इवनियों से मिलजुल कर, कांग्रेस तो भाई पहले भी आ रही थी बहुत साल तो बनाया करती, तो ये बीजेपी एक मौका और देना चाहते हैं। हाँ, एक मौका और दे दो जी। ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ युवाओं की ये मतलब शिकायत रहती है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है इस सरकार में, उस तरीके का है क्या, मतलब युवाओं को क्या रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा, वो भी मुद्दा चर्चा वगैरह होती है क्या घरों में? बेटा, ये तो काम तो करे तो होगा सब कुछ, आज का टाइम तो ऐसा है, इंसान मत करो ना तो काम बहुत है, अवसर है, करना नहीं चाहते लोग, ये कह रहे हैं। हाँ, करो भाई, काम तो है नहीं, क्यों नहीं है, आज का इंसान भूखा नहीं मरेगा। हाँ, अच्छा, यहाँ तो जैसे राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो क्या जो स्वास्थ्य व्यवस्था है यहाँ की, अस्पताल वगैरह हैं, स्कूल वगैरह हैं सरकारी, क्या वो बेहतर हो पाए? के मतलब सरकारी जो स्कूल हैं उसमें जो शिक्षा है, या फिर जो अस्पताल है सरकारी, सिविल अस्पताल? हाँ जी, सरकारी स्कूल है जो, उसमें कम सुविधा है, क्योंकि पंखे वंखे कोई, पानी वाने का कोई सिस्टम नहीं है अभी। हाँ, लाइट भी 24 घंटे की कर रखी है, इसमें भी रात को भी लाइट काट देते हैं, दिन में भी लाइट काट देते हैं, तो ये समस्या तो चल रही है लाइट की। मतलब इन समस्याओं पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया इन 10 सालों में? ना, कम ही दिया है, दिया तो है, पर अभी सरकारी स्कूलों में पंखा पानी पुणी कोई सुविधा नहीं है। बिजली भी जिस तरह 24 घंटे की है तो बहुत कम दे रहे हैं, काट देते हैं बिजली को भी। फिर फायदा क्या हुआ, फिर काम क्या हुए, जब ये बुनियादी काम ही लटके हुए हैं 10 साल से? आप कह रहे हो कि स्कूल में पंखे नहीं है, लाइट नहीं आती। सरकारी जो स्कूल है ना, उनकी कह रहे सर, जैसे अंदर दो गांव में स्कूल है ना, इनमें हो रहा है सर। और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वैसी, जो अस्पताल है सरकारी, उसमें इलाज वगैरह हो जाता है? आईडी प्रूफ है, ये चीज अच्छी है सर, क्योंकि इनके बिना तो पहले कभी किसी सरकार ने सोचा ही नहीं था। एक मोदी सरकार ऐसी आई थी जो पाकिस्तान का भी मुंह तोड़ जवाब कर रहा था पीछे, जो अभी मनु पकड़ा गया था। अच्छा, हाँ, तो वैसे मोदी सरकार बढ़िया, पर कुछ काम जी रहा भी जा, कुछ हो भी जा। ये राहुल गांधी वाली पार्टी जो है वो तो ये कह रही है कि भाई चाइना तो घुस के बैठ गया हिंदुस्तान में। ऐसा कुछ नहीं होता सर, नू तो एक दूसरे की काट करते है, नू काट नहीं करे तो सरकार कैसे पलटेगी? तो पाकिस्तान तो ठीक है, वो तो मुकाबले में ही नहीं है, लेकिन ये चाइना को जवाब नहीं देते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ कुछ लोग है। राम राम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, मोहज आनंद। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, ये बताइए, अब चुनाव है, आप लोगों को वोट डालने हैं, चुनाव है, क्या चर्चा चल रही है रोहतक वाली सीट पर? देखो, बात यह है, वोट तो देनी पड़ेगी मोदी की वजह तो अरविंद शर्मा को, बाकी आदमी इतना घना अच्छा ना। अच्छा, हाँ, कदम भी बढ़िया आदमी ना। हाँ, मोदी की मान लें, मोदी में कोई कमी को नहीं, मतलब मोदी ठीक है, लेकिन अरविंद शर्मा ने काम नहीं किया। मोदी में कोई कमी नहीं, जिस काम का हथला हो ना, उन्हें अभियान बढ़ा के चलता है वो। अभियान समझते हो ना भाई, मंदिर का
बीड़ा उठा तो मंदिर मंदिर का उद्घाटन नहीं कराया, पूरी अयोध्या का कल्याण कर दिया उसने। हैं, अगर सफाई लेकिन झाड़ू लेके दिखाया उसने ना, उसने अगर सफाई अभियान ठहरा है तो सफाई अभियान को एंड तक ले गया है। अच्छा। वो आदमी एंड तक ले गया, स्टेशन पर जाओ, बस अड्डा पर जाओ, कहीं जाओ, ठीक है, सफाई में आप देख लो। इसी तरह जो शौचालय का उन्होंने कराया, उस पर से गलत हुआ ठीक हुआ, लेकिन वो काफी आगे तक गया है काम, मतलब उस दिशा में कम से कम काम किया। ये नहीं कि भाई वो खाना पूर्ति के लिए करता ना, वो किसी चीज को हाथ लगाता है ना तो उसको पूरी फुल स्केल पर लगाता है। अच्छा। ये नहीं ये मूर्ति लगा के छोड़ दी ना, उस 50-40 किलोमीटर के एरिया डेवलप कर दिया उसने, मूर्ति खड़ी करी है ना। कांग्रेस वाले ये कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं मंदिर तो ठीक है, समझे नहीं इनको, पता तो नहीं है, वो ये कह रहे हैं मंदिर ठीक है, ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मंदिर तो ठीक है, लेकिन ये महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी सरकार ने, गरीब की कमर तोड़ दी, कौन घटा होगा बेरोजगारी मंदिर ठीक है। अब ये पता नहीं है मंदिर क्या है, ये लोकल टूरिज्म है, आप समझे ना, जो आदमी इधर उधर जाएगा ना परिवार समेत जाएगा, और परिवार समेत जाएगा दो पैसे खर्च करके आएगा उस इलाके में, ठीक है, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार करके आएगा, कुछ दिमाग भी ठीक रहेगा। एक आप जाते हो गोवा, वहाँ परिवार तो लेके जाओगे नहीं, आलतू फालतू उठे काम में पैसा खराब करोगे, दिमाग खराब करोगे। और गोवा अच्छा है, ये जो धार्मिक स्थान है इनका उद्धार अच्छा, बताओ आप हैं, मतलब ये तो हर वर्ग के लिए है, युवा होता है, युवा गोवा चला जाता है, बुजुर्ग जो है वो मंदिर चले जाते हैं, नहीं युवा भी तो अपनी आस्था है, नहीं युवा ना अच्छे विचार है जरूरत नहीं है क्या, युवा के विचार अच्छे होने चाहिए, और बुढ़ा तो जो है वो 19-21 भी होंगे तो भी जो तो साल दो साल में चला जाएगा। युवा कह रहे हैं रोजगार नहीं दिया, रोजगार तो देखो सीधी सी बात है, कारोबार बढ़ाओगे रोजगार मिलेगा, सरकार ने तो रोजगार खड़े जमीन तो निकाल के देना नहीं, कहाँ से देगी बताओ आप भाई, रोजगार के वो तो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है भाई, उद्योग लगाने की या काम करने की, इनफरा की जो है ना आपको सहूलियत दे दी, काम तो आपने करना है, कारोबार तो आपने करना है, आप ये सोचो फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाए जो है गवर्नमेंट लगाए इंडस्ट्री ना, तो लोगों का काम है ये इंडस्ट्री लगाना, नहीं लोग ही लगाएंगे, लोग ही काम करेंगे, सरकार की क्या काम रहेगा, आप ये मेरे को एक बता दो, हरियाणा में मैं बता देता हूँ आपको 10 इंडस्ट्री सरकारी, सारी नाम निशान नहीं उनका, भाई कहाँ गई वो क्यों गई, सरकार इंडस्ट्री ना लगा सकती ना चला सकती, बताऊंगा आपने, हरियाणा बीएवरेज थी रोजी के नाम से वो बियर निकला करती, नाम निशान मिट गया, हरियाणा स्पिनिंग मिल था, हरियाणा टेंदरी थी, टेलीबर्ड के नाम से टीवी की लगाई थी, यानी कनकास्ट के नाम से लोहे की लगाई थी, एक भी यूनिट आज नहीं है सरकार का। अच्छा। आप मेरे को बता दें हरियाणा में भी ये यूनिट सरकारी है, तो क्या कारण रहा इन सब के पीछे, क्या कारण रहा कि बंद हो गए, बंद क्यों हुए, देखो वो आपने पता ही है, आज मैं हूँ मेरा दा लग रहा है, मैं अपना नौकरी करूँगा चलता बनूंगा कमा के, दूसरा आएगा दूसरा कमा के चलता बनेगा, तीसरा आएगा तीसरा, लायबिलिटी किसकी, जिम्मेवारी किसकी है, फेल होगी नहीं है, सिर्फ काम कर रहे हैं और घर निकल रहे हैं, आप फेल होगी तो होगी, सरकारी फेल हुई है, मामला जहाँ था, अरे भाई मतलब मेरी बस आएगी।